Hello students, so today in this video we'll discuss about velocity of longitudinal wave in an elastic medium. So amaku prathame janibai pai padibo what is longitudinal wave. To taman sab jani thibo ki wave hamar jo rauchi wave ta kete prakar ra wave ta actually amra di prakar ra wave thai gote hochi transverse wave आ गोटे हूँ लॉन्गिट्यूडिनल. तुम वेवटा एक्चुअली कौन आम डेली लाइफ रे यदि वेव हमें कह डेली लाइफ रे तुम्हें देखु थो जो गोटे वाटर सरफेस गोटे पोखरीटे अच्छी आम तापर गोटे स्टोन टे जब पकेवा तेल कौन हुए एमती वेव फॉर्मेशन हुए आम देखी आम डेली लाइफ रे. सो ये जो वेवटा एक्चुअली फॉर्मेशन हुए केमती देख आम जो स्टोन टाक पकाऊ पोखरी मिडिल स्टोन टाक पकेलु ताले स्टोन पाखे जो पार्टिकल थी से पार्टिकल तार नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब करिबो ए पार्टिकलटा डिस्प्लेस होगा कि डिस्टेंस तार नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्प्लेस करिबो एमती हेगा कौन हुए ना ऑल ओवर द वाटर सरफेस दिस डिस्टर्बेंस एक्चुअली स्प्रेड्स आउट. ओके सो वेव इज नथिंग बट द डिस्टर्बेंस मूवमेंट मूवमेंट ऑफ द डिस्टर्बेंस हेला जोटा कि आम कहू वेव केमती ताको इंप्रूव करिवा जदि एठी गोटे आम सपोज गोटे ग्लास टेटी थोइबा ये पोखरी उपरे ताले कौन हम ना ग्लासटा के मूव कर ग्लासटा कौन हम ना ऑसिलेट कर एमती धर इटा हूँ धर ग्लास है एमती ऑसिलेट कर टू एंड फ्रंट मोशन अप एंड डाउन मोशन कर पोखरी सरफेस तो से लगे आम कहू ना डिस्टर्बेंस पार्टिकलटा तर पोजिशन के चेंज कैनि पार्टिकल जो धर जो पार्टिकल जो अच्छे से थाए केवल से कौन कैर ना डिस्प्लेस कै तर नेक्स्ट पार्टिकल को तापर एमती ही हेका कौन है ना लास्ट पार्टिकल जो अच्छी पोखरी सरफेस रे लास्ट पार्टिकल ता पखे जाएंगे डिस्टर्बेंस पहुँचे तो आमको देखा जाए सेटा गोटे वेव टाइप रो. तो एबे आमे आसीबा जे तुम्हारा टॉपिक अच्छे लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे वेलोसिटी कैलकुलेशन पाई तो आमे प्रथमे जानिबा लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे कौन हुए ना वेव रो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जोटा रहौची ता सही सहित पार्टिकल रो जो डिस्टर्बेंसटा कौन है ना पारालेल होकर थाए केमती ना देख आम दीटा एमती नवा तेरे स्प्रिंग कनसीडर करवा तुम गोटे इलास्टिक स्प्रिंग सपोज अच्छी तो आम ए फोर्स अप्लाई करवा कौ डिरेक्शन है ना पारालेल टू द डिरेक्शन अफ द स्प्रिंग आम एमती गोटे फोर्स अप्लाई कले फोर्स अप्लाई कले कौन हम ना स्प्रिंगटा मूव कर केमती मूव कर देख एमती आम गोटे पाइबा एमती पाइबा ये किसी पोजिशन ये कौन हम ना कंप्रेस हो कि टाइम आमर कौन हो ना एमती आम पाइबा स्प्रिंग मोशन को तो ये डिस्टर्बेंसटा फ्लो है कौ डिरेक्शन रे ना ये डिरेक्शन फ्लो है आमे फोर्स भी अप्लाई करथिले ए डायरेक्शन रे पार्टिकल रो मूवमेंट केमती होउची ना पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव. सो से टाइप रो वेव को आमे कहू ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव जहार एग्जांपल कौन तुम ना साउंड वेव हूँ गोटे लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ट्रांसवर्स वेव रे कौन हुए ना आमर जो पार्टिकल रो डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल इज कौन है ना परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर हम ये पैरेलल कहा सहित ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव तो से टाइप रो वेव को हम बुझिले कौन ना लॉन्गिट्यूडिनल वेव. तो ये आम तार वेलोसिटी कैलकुलेशन करवा जो आम गोटे प्रथम कौन करवा ना गोटे सिलिंडर कंसीडर करवा. सो फास्ट कंसीडर ए सिलिंडर एम
ତାକୁ ଆମେ ହୋରାଇଜୋନ୍ଟାଲି ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ରଖିଛେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ସିଲିଣ୍ଡର ସପୋଜ, ଏଇଟା ସପୋଜ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ପିଷ୍ଟନ୍ଟେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ସେତେବେଳେ ପିଷ୍ଟନ୍ଟା ମୁଭ୍ କରୁନି। ସୋ ପିଷ୍ଟନ୍ର ଆମେ କହିପାରିବା ତା'ର ଇନିସିଆଲ ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ ଅଛି ନା, ହ୍ୱେନ୍ ଟାଇମ୍ ଟି ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ପିଷ୍ଟନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରୁନି, ତା'ର ମୋମେଣ୍ଟମ କେତେ ନା ଜିରୋ ହେଲା। ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ରଖିଛି ନା କିଛି ଏୟାର ମଲିକୁଲ୍ସ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଏୟାର ମଲିକୁଲ୍ସ। ସିଲିଣ୍ଡର ଲେନ୍ଥ କେତେ ନା ସ୍ମଲ୍ ଏଲ୍, ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ସିଲିଣ୍ଡର। ସୋ ଆମେ କନସିଡ଼ର କଲେ ଏଲ୍କୁ କ'ଣ ହେଲା ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ସିଲିଣ୍ଡର। ସପୋଜ ରୋ ଇଜ୍ ଦ ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏୟାର ମଲିକୁଲ୍ସ, ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ଏୟାର ମଲିକୁଲ୍ସ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଜିରୋ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମ ପିଷ୍ଟନ୍ଟା ସ୍ଥିର ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଷ୍ଟନ୍କୁ ମୁଭ୍ କରାଇବା, କେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ନା ଏଇ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରାଇବା। ତ ଫିଗର୍ କେମିତି ହେବ, ସପୋଜ୍ ଏଇଟା ଆମର ସିଲିଣ୍ଡର ଥିଲା, ଏବେ ପିଷ୍ଟନ୍ଟା କେଉଁଠିକି ପଳାଇ ଆସିଛି ନା ସପୋଜ୍ ଏଇଠି, ଆମକୁ ଆମର ପିଷ୍ଟନ୍ଟା ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି, ପିଷ୍ଟନ୍କୁ ମୁଭ୍ କରାଇଲେ ନା, ତ ଏବେ ପିଷ୍ଟନ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି। ତା ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲା ଆମର, ଏଇଠି ପିଷ୍ଟନ୍ଟା ଥିଲା, ଏବେ ଏଠିକି ପଳାଇ ଆସିଲା। ସପୋଜ୍ ଏ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କଲା ପିଷ୍ଟନ୍ଟା, ଏଲ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କଲା ହେଲା। ସପୋଜ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ ବାଇ ଦ ପିଷ୍ଟନ୍। ଯଦି ୟୁ ହେଲା ଭେଲୋସିଟି, ପିଷ୍ଟନ୍ର ଭେଲୋସିଟି, ତାହେଲେ ଏଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, ଇନ୍ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଭେଲୋସିଟି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଲେନ୍ଥ କଭର୍ଡ ବାଇ ଦ ପିଷ୍ଟନ୍, ଭେଲୋସିଟି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ଟାଇମ୍, ସୋ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଭେଲୋସିଟି ଇନ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍, ୟୁ ଇଜ୍ ଦ ଭେଲୋସିଟି। ସପୋର୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ଟି ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ଏଲ୍ ଟୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରିଛି, ସୋ ଏଲ୍ ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ୟୁ ଇନ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ଟି। ଏଠି ଲେନ୍ଥ ଆମେ ନେଇଯିବା ଏଲ୍ ୱାନ୍, ଏଲ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଲେଖିଦେବା ହେଲା। ଏବେ କ'ଣ ହେବ, ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ ଦେଖ, ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ ଯେଉଁଟା ଏଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସପୋଜ୍ ଏଇଠିକି ଆମର କେତେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିଷ୍ଟନ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରାଇଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ କ'ଣ ହେବ ନା ସିଲିଣ୍ଡର ଏଣ୍ଡ ଯାଇକି ଫ୍ଲୋ କରି, ମାନେ ପିଷ୍ଟନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିବ, ସୋ ସରି ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ ଉପରେ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିବ, ସୋ ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫରୱାର୍ଡ଼ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ମୁଭ୍ କରିବେ। ସୋ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ରିଜିଅନ୍ରେ, ସପୋଜ୍ ଏଇ ରିଜିଅନ୍ ନେଇଯିବା ଏଣ୍ଡ, ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଏଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ସିଲିଣ୍ଡର୍ ଏଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଥିବେ ନା, ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି କେତେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ ଅଲରେଡ଼ି ଥିବେ, ତ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ ଯେତେବେଳେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରିକି ଏଇ ଏଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବେ, ତ ଆମେ ଏଇଠି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ରିଜିଅନ୍ ପାଇବା, କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ରିଜିଅନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଏୟାର, ନେଇଛି ଏୟାର ମଲିକୁଲ୍ସ କହିପାରିବା, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପିଷ୍ଟନ୍। ସୋ ଏଇ ରିଜିଅନ୍ଟା ଆମର ଏଇ ଫିଗର୍ରେ ଆମେ ଏଇଠି ଡ୍ର କରିଦେବା, ସୋ ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ରିଜିଅନ୍। କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ମଲିକୁଲ, ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଯଦି ଆମେ ନେଇଯିବା ଭିକୁ, ସ୍ମଲ୍ ଭି, ଭେଲୋସିଟି କାହାର ନା ଗ୍ୟାସ୍
एयर मॉलिक्यूल्स रो वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स ताले एल वन केते हबो इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी सो एल वन केते हबो ए जेंति यू डेल्टा टी होतला सो एठी केते हि जीवो ना वी डेल्टा टी एंड एल टू हमें केते पाइचे यू डेल्टा टी पिस्टन रो वेलोसिटी आ गैस अमर एयर मॉलिक्यूल रो वेलोसिटी दीटा को डिफरेंट एठी हमें नेइचे हैला ताहले आमे एबे कोन करिबा आ गोटे क्वांटिटी कंसीडर करिबा जोटा होची अमर एरिया ए नै जीवा ताकु एटा होची क्रॉस सेक्शनल एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया कहार ना सिलिंडर रा आमे देखो रो जानिचे रो जानिथिले आमे ऑलरेडी मास कैलकुलेट करि परिबा कारण आमे जानचे रो इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम सो मास केते हबो ना वॉल्यूम इनटू रो वॉल्यूम केते ना जदि ए होची एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलिंडर एंड आमे लेंथ ऑलरेडी नेचे सिलिंडर केते ना एल1 सो भी जगह रे मु लिख परिउ केते ना ए इनटू एल1 इनटू रो हेला सो दैट इम्प्लाइज एम इज इक्वल्स टू ए एल वन ऑलरेडी हमें केते पाइचे ना वी डेल्टा टी सो एल वन जगह मु लिख परबी वी डेल्टा टी इनटू रो एटा में नै जीवा केते ना इक्वेशन नंबर 1 ता परे हमें पिस्टन रो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम केते थिला पिस्टन रो ना 0 तापर पिस्टन जेते बेले मूव कला तार मोमेंटम केते हबो सो सेम मोमेंटम उठक हमें नै जीवा फाइनल मोमेंटम सो पी एफ लिख दो जी मु पी एफ कारण हमें पाइचे पी आई इज इक्वल्स टू 0 इनिशियल मोमेंटम 0 सो फाइनल मोमेंटम केते हबो पिस्टन जदि यू वेलोसिटी रे मूव करूची सो एटा हबो एम इनटू यू सो दिस इज इक्वल्स टू एम जगह रे आम एति के लिखि परबा इक्वेशन 1 पुट करकी ए वी डेल्टा टी रो इनटू यू सो एटा में नै जीवा इक्वेशन नंबर 2 नाउ चेंज इन मोमेंटम केते हबो सो चेंज इन मोमेंटम इफ डेल्टा पी इज द चेंज इन मोमेंटम व्हिच इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम सो दिस इज इक्वल्स टू हमर इनिशियल मोमेंटम तो 0 सो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम सो ए वी योर स्मॉल वी इज द वेलोसिटी कैपिटल वी इज द वॉल्यूम ओके सो स्मॉल वी डेल्टा टी रो यू चेंज इन मोमेंटम सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3 नाउ सो हम एक चेंज इन मोमेंटम केते पाइले सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू ए वी डेल्टा टी रो यू इक्वेशन नंबर 3 नाउ हम पर जानिचे न्यूटन सेकंड लॉ अनुसार सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी सो एबे इक्वेशन 3 रे वैल्यू पुट करिबा डेल्टा पी जगह रे हम लिखिबा केते ना ए वी डेल्टा टी रो यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी सो डेल्टा टी कैंसिल हो जिवो रहिला केते ना ए वी रो यू सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एतिके आमे पाइले केते ना फोर्स आमे जानिचे प्रेशर प्रेशर केते
एठी आमे मोमेंटम को पी ऑलरेडी नहीं सर छे कैपिटल पी सो प्रेशर को मु लिख दो छी स्मॉल पी सो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया सो पी इनटू ए इज इक्वल्स टू फोर्स सो फोर्स आमे केते पाई छे ना ए भी रो यू ताले केते हबो ए कैंसिल हि जीवो सो पी इज इक्वल्स टू भी रो एंड यू सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5 सो एटा हमर बाहरला कोन ना प्रेशर नाउ बल्क मॉडुलस जानिथिबो तम माने व्हाट इज बल्क मॉडुलस बल्क मॉडुलस रो फार्मूला कोन नॉर्मल स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन सो स्ट्रेस इज नथिंग बट द प्रेशर प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ मींस चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम सो पी भी एटा हमें ऊपर को नहीं जीवा डिवाइड बाय डेल्टा भी नाउ इनिशियल वॉल्यूम केते थिला केते हबो हमर इनिशियल वॉल्यूम हमें जानचे एरिया इनटू लेंथ सो एरिया लेंथ हमें केते पाई थिले ना भी डेल्टा टी सो ए भी आई वैल्यू टा को एठी पुट करिवा सो ए भी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम केते हबो ना ए इनटू देख पिस्टन जिते बड़े मूव ही नथिला मूव कर नथिला सेते बड़े हमर इनिशियल वॉल्यूम केते थिला ना एतिकी तापरे फाइनल वॉल्यूम हमें केते पाइले देख एटा थोर सिलिंडर हमर थिला पिस्टन टा प्रथमे एटी थिला एबे इदि एठी पळे आस्थिला हम पिस्टन को मूव करै थिले चेंज इन वॉल्यूम केते हबो ना इनिशियल वॉल्यूम माने एति कि को नै कि जो वॉल्यूम टा हमें कैलकुलेट करचे ए वॉल्यूम टा माइनस एबे जो वॉल्यूम अछि दैट मींस ए वॉल्यूम सो इनिशियल वॉल्यूम 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 मींस कोन वॉल्यूम्स को बढ़बे त गैस मॉलिक्यूल्स सो इनिशियल वॉल्यूम द टोटल वॉल्यूम माइनस द फाइनल वॉल्यूम केते हबो एतिकी ए रीजन रो वॉल्यूम ए रीजन रो वॉल्यूम कोन ना पिस्टन जति डिस्टेंस कवर करची से सेति डिस्टेंस भितर रो वॉल्यूम दैट मींस ए रीजन टा हो चेंज इन वॉल्यूम एतिकी वॉल्यूम चेंज हला तल हमें केते पाई छे ऑलरेडी से वॉल्यूम टा L2 केते पाई थिले U डेल्टा T U इज द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सो ए इंटू यू डेल्टा टी हम चेंज इन वॉल्यूम सो ये कैंसल कौन हम ना ए कैंसल डेल्टा टी कैंसल सो दैट इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू पी भी डिवाइडेड बाय यू दिस इज बल्क मॉडुलस दैट इम्प्लाइज पी This is the pressure. P is equals to B U by V. Suppose this is equation number 6. Ebe equation 5 and equation 6 ku dekha. Equation 5 re pressure gote expression pai thile and equation 6 re aa gote pai thile. So ebe ame dita ko equation ku equate kariba. So equating इक्वेशन 5 एंड 6 केते हबो ना भी रो यू इज इक्वल्स टू बी यू डिवाइडेड बाय भी दैट इम्प्लाइज ए भी टा को हमें अपर साइड को नहीं आसीबा भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू यू इट कैंसिल हो जीवो सो भी स्क्वायर टा केते हबो
ना बी डिवाइडेड बाय रो दैट इम्प्लाइज भी इज इक्वल्स टू बी बाय रो रो रूट ऑफ आर सो इटा हैला तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेयर बी इज द बल्क मॉडुलस एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल्स सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव ओके.